धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे इंसान तेरा असली नाम सुरत है, माता पिता व पति समर्थ सतगुरु है, और सिमर जा तेरी जात चेतन है, और चेत जा तेरा घर गांव अनामी है, और पहुंच जा। वचन नंबर 272, पूरा गुरु उसे कहते हैं जो शब्द का भेद दे और आत्मा को दसवें द्वार से पार लेकर जाए। जो कुछ आपको बताए उस पर अमल करो तो अंदर के आसमान में सुरत चलने लगे। अपनी सुरत को उस प्यारी आवाज में लगाओ जिसे अनहद नाद कहते हैं। जब आसमान के अंदर सुरत चलने लगे तो वहां की सैर करो, तब ऐसी खुशी मिलेगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वचन नंबर 273, सच्चा सौदा सतगुरु साईं का रूहानी कॉलेज है। इस कॉलेज में जो सत्संगी या भक्त दाखिल होगा वह सतगुरु के बताए मार्ग को प्रेम प्यार से गुरु भक्ति को पूरा करने के लिए दृढ़ विश्वास से सुमरण करेगा। तभी वह सतगुरु की दया मेहर से सतगुरु के निज स्वरूप को प्रकट कर लेगा, बशर्ते के वह परम संतों के न्यारे राम के हुक्म की पूरी पूरी तामील करे। वचन नंबर 274, खुदकशी मर्दों का काम नहीं, यह कायरों का काम है। वचन नंबर 275, जिस इंसान को पूरे सतगुरु के दर्श दीदार होते हैं उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, उसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। ऐसा समझो कि यहाँ जो है वह सब कुछ सतगुरु का है। अपने आप को गुलाम बना कर रखो और यह समझो कि तुम्हें सतगुरु आवाज़ देकर निज घर बुला रहा है। सतगुरु की आवाज़ को सुनो और उसके सहारे ही अपना जीवन गुजारो। इंसान को हर समय दीनता बनाए रखने चाहिए। वचन नंबर 276, अगर सुमरन करते समय नींद आए तो मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें तथा खड़े होकर सुमरन करें। रात को खाना कम खाएं व सादा भोजन करें। गृहस्थी आदमी सादगी व संयमता से जीवन व्यतीत करे। वचन नंबर 277, सत्संग सुने और सतगुरु के वचनों को माने। जो सतगुरु के वचनों को नहीं मानता तो समझो यह समझा जाता है कि उसने सतगुरु के साथ कपट और मखौलबाजी की है। उसको हर वक्त पाप लगता रहता है। वह भजन के चोर होते हैं जिनको हर वक्त काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार दुखी करते रहते हैं। अगर कोई हिंदू गऊ मारे तो उसको तो परमेश्वर बख्श देगा, परंतु जो परमेश्वर रूपी सतगुरु से झूठ कपट और ठगी का व्यवहार करता है उसको कोई नहीं बख्श सकता। उसको बख्शाने वाला दुनिया में और पैदा नहीं हुआ। वचन नंबर 278, अपनी अकल अच्छी और दूसरों का धन ज़्यादा यह अचंभा है। दूसरे मरेंगे खुद नहीं मरना यह सबसे बड़ा अचंभा है। वचन नंबर 279, एक बार किसी इंसान ने यह कहा कि परमेश्वर मुझको अगला जन्म आदमी का दें। उस भले मानस से पूछें कि अब क्या तू पशु है, आदमी का चोला मिला हुआ है, जो कुछ करना है तू अब करके दिखा और बाकी बातों को छोड़। मनमुख क्या बोलता है कि मेरी पूजा होवे, मैं कुछ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। मनमुख हर वक्त अपनी बड़ाई चाहता है और अहंकार की कोठी में दिन रात पड़ा रहता है और अपनी सारी उम्र भ्रम रूपी अंधेरे की कोठरी में गुजार देता है और उनको सारी उम्र में सतगुरु नज़र नहीं आता। वह जो भी काम करता है अपने मन के अहंकार के जरिए से ही करता है, लेकिन गुरमुख हर वक्त सतगुरु का गुणगान करता रहता है। गुरमुख को
सतगुरु हर वक्त हाजिर नाजिर दिखता है। गुरमुख अपने आप को कुछ नहीं समझता, उसकी नज़र में जो कुछ है वह सतगुरु है। अपने आप को वह हर वक्त नीचा और दीन समझता है, हर वक्त सतगुरु की ही बड़ाई करता रहता है। गुरमुख सतगुरु के वचन रूपी अमृत का पान करता रहता है और उनके चरणों में ध्यान लगाए रखता है। वचन नंबर 280, अगर तू परमेश्वर से मिलना चाहता है तो निरंतर सुमरण व सेवा कर, जो तुम्हारे अंदर बैठकर रोज़ तुमको लानते मारता है उसका संग कर। ऐसे महापुरुषों का संग करने से आनंद प्राप्त होता है। वचन नंबर 281, जिसे सतगुरु से सच्ची प्रीत है वह एक दिन ज़रूर निज घर पहुंच जाएगा। जो इंसान सतलोक की तो चाह रखता है लेकिन सतगुरु से प्रीत नहीं, वह कभी भी सतगुरु को नहीं पा सकता। वचन नंबर 282, जो जिंदा राम को अपने शरीर रूपी मंदिर में हाजिर नाजिर समझेगा और अंदर वाले न्यारे राम को जपेगा, उसे अपनी मौत के समय अपने मुर्शिद के साक्षात दर्शन होते हैं और पता चल जाता है कि उसका सतगुरु उसे लेने आ रहा है और वह अपने मुर्शिद कामल के साथ खुशी खुशी अपने वतन चला जाता है। काल में इतनी ताकत नहीं कि उसे हाथ लगाए। जिस तरह पति अपनी पत्नी को कमा कर देता है, उसी तरह इस दुनिया में वह सतगुरु भी अपने शिष्य को उसकी नाम की कमाई का फल देता है। यानी वह सतगुरु दोनों जहानों में सहायक होता है। वचन नंबर 283, हक हलाल की कमाई करके खाओ, सदा अपना ध्यान मालिक की तरफ रखो, सीमित मात्रा में भोजन करो ताकि भजन सुमरण में विघ्न ना पड़े। पेट भर कर खाने से बंदगी में आनंद नहीं आता, सुमरण शक्ति कम हो जाती है, काम वासना ज़्यादा सताती है, नींद ज़्यादा आती है। रात को पेट का खाली होना सत्संगी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वचन नंबर 284, सतगुरु के दरबार में यदि कोई चोरी करता है तो उसे अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। यह लोहे के चने हैं, यह बगैर सेवा सिमरण हजम नहीं होते। सेवादार आपस में मिलकर जो लंगर भोजन आदि तैयार करते हैं उसमें अथाह शक्ति होती है, क्योंकि हर सेवादार की दृष्टि उनकी बातचीत और सतगुरु का यश उसमें समा जाता है। वचन नंबर 285, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, हर एक के अंदर मालिक बैठा है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। हमेशा सतगुरु के वचन को ही मानना चाहिए। वचन सतगुरु है और वचन ही अंतर्मुखी कर देता है। जो वचन का पालन नहीं करता वह सतगुरु के साथ ठगी व मखौल करता है। जो सतगुरु और नाम उनके साथ जाने वाला था उनसे वह बेखबर रहा। वचन नंबर 286, नींद बोलती है कि मैं अंधेरे का रूप हूँ, कभी भी इनको अंदर से परमेश्वर का रूप देखने नहीं दूंगी, क्योंकि रात का समय मालिक को इस देही में प्रकट करने का सही समय होता है। बहुत से महात्मा इसकी गवाही दे चुके हैं। यह सब कुछ तेरा है, जिस तरह तू बांटे। हे सतगुरु, तू अख्तियार वाला है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जो करे तू करे तथा सारी अख्तियारी तेरी है। वचन नंबर 287, एक सतगुरु का ही आसरा रखो। सतगुरु ने नाम शब्द की दात बख्शी है, सतगुरु के सिवा आसरा कैसे हो सकता है। और जो कुछ किया सतगुरु ने ही किया। वचन नंबर 288, ए इंसान तू मालिक दी याद में जाग, नाम जपने से रूह को मालिक की दरगाह से
ताकत मिलती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, दिल व दिमाग को अजीब मस्ती व नशा मिलता है, कोई थकावट नहीं होती। वचन नंबर 289, सतगुरु के बिना रूह को 84 की जेल से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे वह सारी उम्र कोई कर्म कांड करता रहे, सतगुरु सर्व समर्थ है। वचन नंबर 290, इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, परमार्थ करने से तन को सुख व रूह को शांति मिलती है, सतगुरु की मेहर के बिना वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। शिष्या मुर्शिद को खुश करके खुशियां हासिल कर सकता है। वचन नंबर 291, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, रात के समय आसमान पर तारों को देखो, वे किस तरह जागते हैं, कहां से कहां तक मंजिल तय करते हैं, हमें उनसे सबक लेना चाहिए, तुम्हें भी सुमरण करके उस मालिक को मिलने की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, तेरा तेरे सतगुरु के साथ मेल हो जाएगा। वचन नंबर 292, जितना फायदा लोगों को नाम के बारे में जागरूक करने में है, उतना किसी और में नहीं, जो गुरु का काम है सो उत्तम है, वह सतगुरु का सच्चा सेवक है जो काल से लड़ता है, वचन माना नहीं तो सतगुरु क्या करे, सतगुरु को सुमरण के द्वारा अंदर से प्रकट करें, यदि हमने दिन रात 5 चोरों की सेवा में ही गुजार दिया तो हमारी जिंदगी का क्या होगा, इसलिए जितना हो सके अपने अंदर के सतगुरु के नूरी स्वरूप को जगाना चाहिए। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।